हरियाणा के पानीपत जिले से लगते जिले की सीमा पर कल सुबह एक हादसा हो गया था, जहां एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को पानीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक एक बेटा और एक बेटी का पिता था। मृतक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर करनाल की गरौंडा थाना पुलिस ने पानीपत पहुंचकर मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए रोशन लाल ने बताया कि उसका बेटा गुरुवचन करनाल के गाँव सालवान का रहने वाला था और रिफाइनरी रोड स्थित गैस प्लांट में काम करता था। कल सुबह गुरुवचन शिफ्ट के अनुसार अपनी ड्यूटी पर प्लांट जा रहा था। जब वो प्लांट पहुंचा तो वो बाइक खड़ी करके अंदर जा रहा था। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा तो इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो जमीन पर गिर गया और खून से लथपथ अचेत हो गया। हादसे के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत सिविल अस्पताल पानीपत पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद करनाल की गरौंडा थाना पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के आधार पर गरौंडा थाना पुलिस पानीपत पहुंची, जहां परिवार वालों के बयानों के आधार पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई।